हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। दोस्तों, आज के इस फाइलम सिस्टम के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MCP मैनुअल कॉल पॉइंट का ऑपरेशन, इसलिए मैं की भी लेकर आया हूं, फिर इसके बताऊंगा वायरिंग, फिर इसकी डिजाइनिंग, तीनों चीजें मैं बताऊंगा। दोस्तों दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मैं ऑपरेशन बताऊंगा, फिर इसकी वायरिंग बताऊंगा, फिर डिजाइनिंग। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि MCP का यूज क्या होता है फाइलम सिस्टम में और MCP क्या होती है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबा के साथ में बेल आइकन का बटन आएगा दोस्तों, उसको भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल जाए आपको दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की। देखिए, पहले मैं आपको MCP का थोड़ा बता दूं जिन लोगों को नहीं पता। देखिए, MCP की फुल फॉर्म होती है मैनुअल कॉल पॉइंट, और जो आपका फाइलम सिस्टम होता है वो पैनल होता है, उस ये जो लूप निकलता है पैनल से, जैसे कि इन से निकलता है, तो इन से निकला तो इन फिर लूप में बहुत सारी डिवाइस होती हैं, आपके डिटेक्टर्स होते हैं, आईफ्यूज होते हैं, स्टोव होते हैं, ऐसे MCPs भी लगी होती हैं दोस्तों। फिर लूप आपका टर्मिनेट आके होता है आपके पैनल में, आउट में लगता है उसके, तो ऐसे एक लूप बनता है दोस्तों, ठीक है, उसमें MCPs भी लगी होती है। तो MCPs हमेशा किसी भी साइट पर दोस्तों ज़्यादातर पब्लिक एरिया में लगाई जाती है। अभी डिजाइनिंग पार्ट पर मैं आऊँगा, तीसरा पॉइंट डिजाइनिंग ही होगा, बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, अब पहले मैं अब बात करता हूँ इसके ऑपरेशन की, ठीक है। आपको पता चल गया कि MCP क्या होता है। पहली चीज़ है ऑपरेशन। देखिए, फॉर एग्जांपल साइट है, ठीक है दोस्तों, और साइट पे MCP लगाए, ठीक है, और आपने देखा कि कहीं डेंजर है, फायर आ गया, ठीक है, डेंजर है, फायर आ गया, और आपको अपने फायरलार्म सिस्टम को एक्टिव करना हो, ट्रिगर्ड करना हो मैनुअली, तो आप MCP से करते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट, इसलिए इसका नाम होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। तो आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, ये पहले से आप क्या करेंगे, ये लगा होगा तो आप इसको पंच करेंगे ऐसे करके दोस्तों, आप पंच करेंगे तो ये ग्लास जो है, ग्लास टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर होता है ये पूरा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आएगा तो आपका फायरलार्म सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, होटर बजना शुरू हो जाएगा, तो लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर डेंजर है। तो हमने फायरलार्म सिस्टम को मैनुअली एक्टिवेट कर दिया इससे, मैनुअल कॉल पॉइंट से, ठीक है। अब आपने एक्टिवेट तो कर दिया, अब आपने फायरलार्म पैनल को आपने साइलेंट भी कर दिया, रिसेट भी कर दिया, मगर जब तक आप इस ग्लास को चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, इस ग्लास को हमें भी चेंज करना पड़ेगा, तब तक आपके ये फॉल्ट रहेगा इसका, और फायर दोबारा भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए हमारे पास ये की है दोस्तों, ठीक है। तो किसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए, जेंट का है, जेंट का MCP है, जेंट कंपनी का, ठीक है। तो आप देख लेंगे नीचे ये दो होगा, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है किसी भी कंपनी का दोस्तों, ये दो होल है और ये की है हमारी दोस्तों, ठीक है। इस की को हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको हम ऐसे डालते हैं दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है, डल गई। डलने के बाद इसको थोड़ा मोड़ेंगे ऐसे, ऐसे जब मोड़ा हमने तो ये देखा नीचे से ये ओपन हो गया। अब आपके पास पेचकस होगा, पेचकस के अंदर डालिए और इसको ओपन कर लिए। मेरे पास पेचकस नहीं है दोस्तों अभी, मेरे पास ये स्ट्रिप है, तो मैं इसको इस स्ट्रिप से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, पेचकस से एकदम आ जाता है दोस्तों बाहर, ठीक है, ये हो गया, बाहर आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये बाहर निकल गया, टूट गया ये, अब हमें इसको रिप्लेस करना होगा दोस्तों, ठीक है, रिप्लेस करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये पहले बिल्कुल ऐसे लगा होता है, बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, बिल्कुल ऊपर तक लगा होता है ये दोस्तों, ऐसे, ठीक है, अच्छे से दिखा पा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे। तो ये वाली स्ट्रिप जो होती है ऊपर होती है, ऐसे ऊपर चली जाती है दोस्तों, यूं करके ऐसे ऊपर चली जाती है ऐसे। जब ये ऊपर रहती है तो आपका सिस्टम जो है टिकट नहीं होता, जैसे आप ग्लास को तोड़ते हैं इसको, तो ये तोड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है ये, ऐसे करके ये नीचे आता है और आपका फायरलार्म सिस्टम टिकट हो जाता है। अब देखिए, आपको रिप्लेस करना होगा। अब आपको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों ये नया लाना पड़ेगा, तो नया तो लाओगे नहीं, इसलिए कंपनी ऑप्शन देती है। आप क्या करिए, इसको उल्टा कर लिए, ऐसे उल्टा करके ऐसे करेंगे, देखिए बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, इसको ऑप्शन होता है, उल्टा करेंगे तो बिल्कुल ही दोबारा पोजिशन में चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर से आप इसको दोबारा लगाइए, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, देखिए बिल्कुल सीधा हो गया, लगा दिए। उसके बाद आप की लेंगे, ये की लेंगे,
की लेने के बाद एक यहाँ पर पॉइंट होता है, देखिए ऐसा, ये इसके अंदर की को इंसर्ट करेंगे और इसमें लॉक लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा नीचे था, ये मैंने ऐसे करके टाइट करके इसमें लॉक लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, अब इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से देख भी रहे होंगे, ये अभी दोस्तों ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है ना, आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर है, ऊपर चला गया वो, और ये मैंने इसमें लॉक लगा दिया यहाँ से की से, ठीक है। अब दोबारा इस पर हम कवर लगा देंगे ऐसे करके ऊपर से, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये उल्टा कर दिया, तो कंपनी ऑप्शन देती है कि इमरजेंसी में आपके पास ग्लास तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे इसका होता है ये ऑपरेशन, मैंने बिल्कुल आपको ऑपरेशन बता दिया। अब दूसरी दोस्तों मैं बता रहा था इसकी वायरिंग के बारे में, ठीक है। तो वायरिंग देखिए, इसमें मेनली 4 पिन होती हैं, 1 2 3 4। पहले पे होता है इन दोस्तों, दूसरा आउट है, फिर 3 और 4 कॉमन है। कॉमन देखिए, जब भी आपके लूप में डिवाइस होती है दोस्तों, मान ली लूप आ रहा है आपके पैनल से, ठीक है दोस्तों, तो डिटेक्टर के बाद आपका एमसीपी लगा है, ठीक है। तो वहाँ से दो डिटेक्टर से लूप में 2 वायर आ रही होंगी, ठीक है, एक ब्लैक आ रही होगी, एक रेड आ रही होगी। तो आपका ब्लैक वाली तो कॉमन होती है और रेड वाली आपका इनपुट होता है। तो रेड वाली का वायर आप किधर लगाएंगे, जो आपके पहले इस एमसीपी से पहले वाले डिटेक्टर से आ रही है, ठीक है, इसके इन में लगा देंगे और एक कॉमन में लगा देंगे। 4 पे लगाइए, 3 पे लगाइए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप किसी से भी ले सकते हैं फिर आउटपुट, ठीक है। अब आपके एमसीपी से इसके आगे जो डिटेक्टर होगा, कोई भी डिवाइस आई फिर उसमें जाएगा, तो 2 वायर इससे भी निकलेंगी। तो आप एक वायर जो रेड वाली होगी वो इस पर लगाएंगे आउटपुट पे, और एक ब्लैक वाली कॉमन पे लगा देंगे, तो वो वायर आगे निकल जाएंगे, आगे वाली डिवाइस में चले जाएंगे। तो ऐसे लूप बनता है दोस्तों। फिर से देख लिए आप इनबाउट, ठीक है, ये कनेक्टर होगा, कनेक्टर में वायर लगा दे, कनेक्टर अभी है नहीं मेरे पास, ऊपर कनेक्टर लगता है, इसके वायर निकल जाती है इन आउट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई इसकी वायरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग में दोस्तों ये जो डिटेक्टर है, वो ये जो एमसीपी है, मैनुअल कॉल पॉइंट, हमेशा लॉबी एरिया में लगता है दोस्तों। जहाँ से कोई बाहर से आपको फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट जिसको करना हो और उसने डेंजर देखा, कहीं फायर देखा, तो मैनुअली कर ले। मान ली मैं होटल की बात कर रहा हूँ, तो होटल के फर्स्ट फ्लोर पे आप बेसमेंट में, बेसमेंट के बाद फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ जो भी लॉबी एरिया है ना, तो उस लॉबी एरिया में लगाते हैं, ताकि वो वहाँ से ट्रिगर कर दे सारे फ्लोर पे। अब बात आती है कि एक लूप में कितने लगाएंगे, तो आपका जितना भी लॉबी एरिया है दोस्तों, उसमें मिनिमम आपके अगर छोटा लॉबी एरिया है, मान लिए 20 मीटर का, तो 10 मीटर पे 2 लगा दिए, ठीक है दोस्तों। और बहुत बड़ा एरिया है, मान लिए 50 मीटर का एरिया है, तो 50 मीटर पे पब्लिक एरिया जो भी है, आप 10 10 15 15 मीटर पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। 20 20 मीटर पे लगा दें, कोई भी वो नहीं है, मतलब लोगों को जल्दी से दिख जाए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इसकी डिजाइनिंग होती है लूप में दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैंने पूरा आपको एमसीपी का ऑपरेशन और इसका वायरिंग और इसकी डिजाइनिंग पूरी बता दी। तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक करना ना भूलें, मैं ऐसी वीडियो लाता हूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे भी बहुत सारी वीडियो आएंगी फायर अलार्म सिस्टम पे और BMS पे और FM 200 पे, जो भी टेक्निकल सिस्टम है सब पे दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उसको भी दबाएं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।